राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन इस वक्त राजस्थान पुलिस के गिरफ्त में, उससे पूछताछ की जा रही है। आज के पहले वीडियो में हमने आपको इस बात की चर्चा की थी कि विक्रम लादेन राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ कर रही है। साथ ही उसका एक और साथी राहुल नाम का है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। लेकिन पुलिस जब इनसे पूछताछ कर रही है तो पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे विक्रम लादेन उर्फ गुर्जर कर रहा है, और उसी में एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि विक्रम लादेन सिर्फ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने नए साल की पार्टी मनाने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर का रास्ता अख्तियार किया था। तो आखिर विक्रम लादेन की गलती क्या थी, कैसे पुलिस ने उसे पकड़ा, एक एक बातें आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही राजस्थान के अपराध की दुनिया में और क्या कुछ चल रहा है इस बात की भी समीक्षा करेंगे, एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज कल नाइन। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विक्रम लादेन और विक्रम गुर्जर के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले आपको साल 2022 में राजस्थान में हुई बड़ी घटनाओं के बारे में जिक्र ज़रूर करा देते हैं क्योंकि ये करना ज़रूरी है। आज साल 2022 का अंत होने जा रहा है और साल 2022 के अंत के साथ साथ 2023 का उदय भी हो रहा है, यानी कि नया साल आ रहा है। नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई, आपके जीवन में नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और ये गैंगस्टर जो 2022 में जो गैंग वॉर करते दिखाई दिए थे, इनको भगवान सद्बुद्धि दें या फिर ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाए, इन्हें इनकी असली जगह पर पहुंचा दिया जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि 2023 बहुत अच्छा होगा, सभी राज्यों में, सभी जिलों में, देश के हर एक कोने में सुख शांति आप सभी के जीवन में हो, यही कामना करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि साल 2022 का हमने जिक्र किया था, 2022 में इस साल अगर देश भर में देखा जाए तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, वो बताने बैठेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं, चूँकि विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम लादेन राजस्थान का था, तो राजस्थान में जो मौजूदा वक्त में सबसे टॉप का गैंगस्टर कहा जाता है उसे लॉरेंस बिश्नोई को ही कहा जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई बेशक दिल्ली का तिहाड़ जेल में या फिर पंजाब पुलिस की कस्टडी में मौजूदा वक्त में हो, लेकिन राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की तूती बोला करती है। और उसकी गैंग के संपत नेहरा हो, लिपिन नेहरा हो, या फिर जितने भी बड़े बड़े बदमाश हैं जो देश में या फिर विदेश में बैठकर रंगदारी का खेल खेलते हैं, राजस्थान के अंदर साल 2022 में उन्होंने करोड़ों की फिरौतियाँ मांगी, जो राजस्थान की पुलिस के लिए सिरदर्दी से कम नहीं था। और कई मामलों में तो उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई, कई मामलों में पुलिस ने उन बदमाशों को घेर कर पकड़ा, चाहे वो सचिन थापन का भाई क्यों ना हो। राजस्थान की पुलिस ने ये दिखा दिया कि अगर पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करती है, फिर पुलिस चौकस रहती है, तो बदमाश कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खैर ये कहानी रही। लेकिन इसी साल सबसे साल के आखिर में, यानी कि दिसंबर के महीने में जो आज गुजर रहा है, दिसंबर महीने में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर राजू ठेहट मार दिया गया। राजू ठेहट जब मारा गया तो वाकई में पुलिस के लिए बहुत बड़ी ये सरदर्दी थी कि राजू ठेहट, जिसे राजस्थान का दूसरे नंबर का गैंगस्टर कहा जाता है, मौजूदा वक्त में कहा जाता था, अब तो नहीं है वो, और उसकी मौत के बाद एक और नया टारगेट पुलिस को मिला, रोहित गुदारा का। खैर रोहित गुदारा अभी भी फरार है, पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन जो तीसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर राजस्थान का आज के मौजूदा वक्त में कहा जाता है, इसी विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन को कहा जाता है। लादेन दरअसल 2022 के अंत की कहानी लिखने आ रहा था और 2022 के अंत की ऐसी कहानी लिखने वाला था कि 2023 उसके लिए खुशनुमा साल लेकर आए और वो 2023 में अपने जो भी वारदातें वो करता है इन सब में वो फले फूले। तो इसी उम्मीद के साथ उसने राजस्थान की राजधानी जयपुर का रुख किया। इन सब बातों से बेखबर पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा गैंगस्टर आज राजधानी में आने वाला है और उसे किस तरह से पकड़ना है। तो मुखबिर के द्वारा पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी। तो जयपुर के DCP नॉर्थ पारिस देशमुख का इस पूरे मामले में कहना है कि विक्रम लादेन उर्फ गुर्जर नया साल मनाने के लिए जयपुर आया था और जयपुर आते ही उसने सबसे पहले कोटपुतली इलाके से अपने दोस्त राहुल को लिया और शुक्रवार शाम को वो लोग जयपुर पहुंचे। जयपुर के लालकोठी इलाके से अपनी कार से गुजरने के दौरान किसी ने उन दोनों बदमाशों को देखा और इस बात की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। हालांकि पुलिस को पहले भी इस बात की सुगबुगाहट मिल चुकी थी कि लादेन जयपुर में आने वाला है, लेकिन जब ये बात और कन्फर्म हुई, जब किसी ने देखी उसकी लग्जरी कार को, तो पुलिस को जब सूचना दी गई तो इस बात की पुष्टि हो गई कि अब लादेन जयपुर में आ चुका। तो जैसे ही DCP नॉर्थ पारिस देशमुख तक ये पूरा मामला पहुंचा, उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले में पुलिस की टीम को सतर्क किया। लोकल पुलिस और DST टीम ने मिलकर लादेन को लालकोठी इलाके से गिरफ्तार किया। उसके पास से भारी मात्रा में अवैध जो बंदूक, पिस्टल, कट्टे सब होते हैं वो बरामद किया। इस बातें हमने सुबह आपको बताई थी।
तो विक्रम गुर्जर के ऊपर कहा जाता है कि कुल 27 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि राहुल उसका जो साथी है उसके खिलाफ भी करीब 17 के आसपास मुकदमे दर्ज है। और इसके गैंग के दर्जनों बदमाश राजधानी जयपुर में भी सक्रिय हैं। ये बदमाश चाहे जमीन खाली करवाना हो या फिर बेचना हो, मारपीट करना हो, किसी से उगाही करना हो, जितने भी आरोप हैं इन सभी बदमाशों के ऊपर अब तक लगाए जा चुके हैं या फिर इन सब आरोपों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कहा जाता है कि विक्रम और फुलादेन के ऊपर राजस्थान की पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा था और 25,000 रुपए का इनामी बदमाश जब न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में आता है तो उसे वहां पर दबोच लिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि विक्रम गुर्जर के बारे में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी काफ़ी करीबी है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी कई सारी तस्वीरें गाहें बेगाहें सोशल मीडिया पर घूमती हुई दिखाई दी जाती हैं। और इसके दुश्मन की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा, इसका मौजूदा वक्त में दुश्मन था पपला गुर्जर जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ की जेल में बंद है। और पपला गुर्जर को मारने के लिए भी कहीं ना कहीं ये योजनाएं बना रहा था। और अब से अगर कुछ दिन पहले की बात करें, राजोटियाट की हत्या के कुछ दिन के बाद तो दो गैंगस्टर पकड़े भी गए थे जो पपला गुर्जर की गैंग के थे और इसी विक्रम लादेन को मारने के लिए वो जा रहे थे। हालांकि उन्हें उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो एक गैंग वॉर की जो आशंका भी बन रही थी, फिर से राजस्थान में अगर देखा जाए तो साल में 8 बड़े गैंग वॉर हुए, तो ये 9वां गैंग वॉर होने जा रहा था जिसकी आशंका भी जताई जा रही थी, जिससे पुलिस ने अब लादेन को गिरफ्तार करके इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। तो बहुत सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि बहुत जल्दी विक्रम गुर्जर और लादेन की जमानत हो जाएगी। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि लादेन इस वक्त गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उसे रिमांड पर भी नहीं लिया पूछताछ के लिए और उसे सीधा जेल भेज दिया। तो उसके ऊपर जो संगीन मामले दर्ज हैं, अब फिलहाल वो जेल से इतनी जल्दी जमानत पर भी बाहर तो नहीं आ सकता। तो फिलहाल न्यू ईयर की पार्टी गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम लादेन के लिए बहुत भारी पड़ी और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। साल 2023 की जो शुरुआत थी या फिर साल 2022 का जो अंत था, वो विक्रम गुर्जर उर्फ विक्रम लादेन के लिए बहुत भारी पड़ा और पुलिस के लिए बहुत अच्छा पड़ा। तो इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए VDF News। नमस्कार।